next topic is formed elements. या जिनको हमने नाम दिया था ब्लड कॉर्पसल्स. और ब्लड सेल्स जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी या जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या इराइथ्रोसाइट्स. थोड़ा सा मैं फास्ट करा रही हूँ, पिछला सिलेबस भी कंप्लीट करना है हमने, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तेजी से लेके जा रही हूँ टॉपिक को. अगर कोई डाउट हो जो नए बच्चे कर रहे हैं, जैसे कि धीरज हो गया, पंकज हो गया, चंदन, पीयूष, करण, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है. इराइथ्रोसाइट्स क्या हैं? दे आर हाईली अडेप्टेड सेल्स. हाईली अडेप्टेड सेल्स का मतलब क्या है कि ये सेल्स जो है इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर रखा है. मॉडिफिकेशन बेसिकली आरबीसीज की क्या है कि आरबीसीज के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्जी अपरेटस होता है, ना ही इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है. अभी जो हम सेल वाला चैप्टर कर रहे हैं, सेल के अंदर जितनी चीजें हैं कुछ भी नहीं इसके अंदर होता. आरबीसीज जो है वो सिंपली जो है खाली होते हैं. इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है. ऐसा क्यों है, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है. जो इनका फंक्शन है, अडेप्ट करना मतलब अपने आप को बदल लेना. क्यों बदला है, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना. ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं हीमोग्लोबिन, बेसिकली जो आरबीसीज हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को. तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी भी तो करना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अंदर अगर हैं आरबीसी में तो उनके लिए जगह भी तो रखनी पड़ेगी. तो ये जो जगह रखी जाएगी इसके लिए आरबीसीज ने एक अडेप्टेशन की है, अपने आप को बदला है कि उनके अंदर और भी ऑर्गेनली होगी. जो भी उनको काम करना है वो बिना इन ऑर्गेनली के ही काम चलाते हैं. जैसे कि अभी हमने रिसेंटली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं. इसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना. किसमें ऐड होना, एडीपी में. एडीपी जिसके पास ऑलरेडी दो फॉस्फेट हैं, उसमें एक फॉस्फेट का ऐड होकर क्या बन जाएगा, एटीपी. ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना. एनर्जी क्या है, एटीपी. लेकिन आरबीसीज के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है. तो आरबीसीज कैसे करते हैं, आरबीसीज जो है वो एटीपी बनाते हैं लेकिन ऑक्सीडेटिव नहीं, बिना ऑक्सीजन के आरबीसीज बनाते हैं. यानी कि आरबीसीज के अंदर एनएरोबिकली बिना ऑक्सीजन के जो है एटीपी बनते हैं. और फर्क ऐसा होता है कि ऑक्सीजन से जो एटीपी बनते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज जलेगी तो कितने एटीपी निकलेंगे, 36 एटीपी. और बिना ऑक्सीजन के अगर बनेगी तो कितने निकलेंगे, सिर्फ 2 एटीपी. इसलिए आरबीसीज के अंदर एनर्जी तो बनती है लेकिन इतनी कम, ओनली 2 एटीपी. तो ये सब अडेप्टेशन, ये सब चेंजेस आरबीसीज ने अपने अंदर क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. तो दे आर हाईली अडेप्टेड सेल्स. आरबीसीज जो है दे आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं. ई न्यूक्लिएटेड मैंने आपको बता ही दिया, बिना न्यूक्लियस के होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. दे आर बाय कॉन्केव, जो अभी मैंने शेप ड्रॉ की थी, दैट इज बाय कॉन्केव, बाय कॉन्केव शेप होते हैं, ठीक है. और सर्कुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर डिस्क लाइक होते हैं इन मैन. इस तरह से डिस्क की जैसी शेप के भी आरबीसीज हो सकते हैं, ठीक है. बाकी सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है. वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी पीछे जो है.
जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी है वो क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर, इनको छोड़कर बाकी सब के अंदर जो है जो आरबीसीज हैं दे आर न्यूक्लिएटेड। हमारे अंदर नहीं होते, इन सब के अंदर न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी होता है क्योंकि इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए होती, इसीलिए इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। ह्यूमंस के जो आरबीसीज हैं बेसिकली उनका साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका, ठीक है, देन 2 माइक्रोमीटर जो है वो थिक होते हैं, ये इतने चौड़े होते हैं, 2 माइक्रोमीटर थिक होते हैं, और इनका काउंट होता है मेल्स के अंदर आरबीसी का नंबर, अगर हम देखें मेल्स के अंदर जो आरबीसी का नंबर है दैट इज नियरली 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन तक हो सकता है। और फीमेल्स के अंदर अगर देखें, अगर हम एवरेज लगाएं, एवरेज पूछा जाता है तो 5.5 to 6, और फीमेल्स के अंदर ये कम होता है, कंपैरेटिवली कम, दैट इज 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतना प्रेजेंट हो सकता है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर कंपैरेटिवली जो आरबीसीज का काउंट है वो कम होता है क्योंकि उनके अंदर ब्लड और हीमोग्लोबिन का काउंट भी कंपैरेटिव टू मेल्स कम होता है। इसके अलावा जो लोग हिली एरिया पे रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनके अंदर आरबीसीज का काउंट ज़्यादा होता है। इसका कारण ऐसा क्यों है, या हम भी अगर कुछ दिनों के लिए पहाड़ी इलाकों में रहने चले जाएँ, हिल्स पर रहने चले जाएँ, तो हमारे भी आरबीसीज का काउंट बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहाड़ों पर जो है ऑक्सीजन कम मिलती है हमें, वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, बॉडी की रिक्वायरमेंट तो हमारी उतनी है ऑक्सीजन की, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो हम ब्रीथ इन जब हम करते हैं एयर को तो उसमें हमें कम ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। एक तो हम वहाँ जब जाते हैं तो हम बड़े बड़े सांस लेते हैं, कुछ लोगों को जैसे नौजिया वगैरह होने लग जाता है, चक्कर आते हैं, चक्कर आना क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है बॉडी के अंदर इस वजह से। तब ये जो ऑक्सीजन कम हो रही है इसको पूरा करने के लिए बॉडी के अंदर आरबीसीज ज़्यादा बन जाते हैं। अब जो लोग लगातार ही हिली एरिया पे रहते हैं उनके आरबीसी पहले से ही ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो पकड़ सकें। आपने जोर से ब्रीथिंग किया, सांस अंदर ली, बहुत सारा ऑक्सीजन कोशिश की कि कम भी है चाहे एयर में कंटेंट उसका कम है, लेकिन लंबा सांस लोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा और उसको पकड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी भी हों, इसीलिए आरबीसी हमारे भी कुछ टाइम के लिए बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा हिली एरिया में लोग रहते हैं दे ऑलवेज ब्लश, उनके जो चीक्स हमेशा रेड रेड होते हैं, स्किन एकदम रेड रेड होती है, वो रेड क्यों होती है? क्योंकि उनमें आरबीसी ज़्यादा है, इसलिए उनकी अपेयरेंस भी थोड़ी हमें रेड ही लगती है, ठीक है। तो आरबीसी जो है हिली एरिया पे रहने वाले लोगों के अंदर भी ज़्यादा होते हैं, मेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स के अंदर कम होते हैं। आरबीसी जो है एनारोबिकली जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के अपनी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। आरबीसीज मेनली जो है इनका काम क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकते हैं, करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है दैट इज अबाउट 120 डेज, 120 दिन के करीब एक आरबीसी जिंदा रहता है, और उसके बाद 120 दिन के बाद ये जाते हैं स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन के अंदर जाकर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रॉय होकर ये क्या बनाते हैं, 2 तरह के सब्सटेंस जो भी हमने किए, बिलिरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन दैट इज येलो इन कलर और बिलीवर्डिन दैट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आरबीसीज और इराइथ्रोसाइट्स, आज के लिए इतना बहुत है। अभी कोई डाउट है तो बताएं। बिलीवर्डिन का क्या होता है? हाँ जी, कोई डाउट? नो मैम। हाँ जी धीरज, कोई डाउट? मैम। हाँ जी मैम।
बोलिए बोलिए मैम, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन बेटा एक छोटा सा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के पीछे लगा होता है। स्टमक होती है हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा ऑर्गन होता है। ये भी हम करेंगे इसको डिटेल में, इसका स्ट्रक्चर पर्पल रेडिश कलर का अंदर से दिखता है ये हमें। और इसका काम क्या होता है, टूटे हुए मरे हुए डेड आरबीसीज को डिस्पोज ऑफ करना, बॉडी से बाहर निकालना। ओके मैम, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? कोई और नो मैम, कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ठीक है, फिर ओपन करें क्लास। चलिए, ओके देन।